अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज का व्लॉग है हमारा ट्रैवलिंग का व्लॉग। हम लोगों का प्लान था आज बर्लिन जाने का, तो एक दिन हमने आज स्पेंड करना है बर्लिन में। और इंशाल्लाह आपको मैं अपने साथ रखूँगी, मेरे साथ रहें और मेरा आज का ट्रिप आप इंजॉय करें। आज हमारी एक टर्मिन थी, वहाँ पे अपॉइंटमेंट थी, जिसके लिए हमें आज बहुत अर्ली मॉर्निंग फ्रैंकफर्ट से निकलना पड़ा। और हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग की थी। सुबह सुबह हमने जाना था, तकरीबन 4-4.5 घंटे लगते हैं बर्लिन जाने तक। और फिर वहाँ हमारा जो काम था वो करने के बाद हमने आज ही वापस आना था। तो यहाँ पे देखें जी, आप सुबह के 5:30 हो चुके हैं और हम लोग फ्रैंकफर्ट हॉपबाहनहॉफ पे हैं। और ट्रेन हमारी जो है वो भी आ चुकी थी, बस हम थोड़ी देर में ट्रेन के अंदर जाएंगे, बैठेंगे और अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ रहें और व्लॉग को पूरा देखें, एंड तक देखें। होपफुली आप आज का व्लॉग भी इंजॉय करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ऑल पे, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप इसी तरह मेरी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। और थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार, आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रही है, हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ जी हम ट्रेन के अंदर एंटर हो चुके थे और देख रहे थे कि हमने कहाँ बैठना है। तो सीट्स हमें मिल गई थी बड़ी अच्छी, और बस हमने अपना थोड़ा बहुत जो सामान था वो रखा और हम लोग अपने अपनी जगह पे बैठ गए। तो सुबह का टाइम था, ट्रेन का खाली थी, कोई इतना रश नहीं था। ज़्यादा अर्ली जब आप निकलते हैं तो ज़्यादा रश नहीं होता, तो अभी अंधेरा ही था, दिन नहीं चढ़ा था। तकरीबन 6:45 हमारी ट्रेन चली थी। तो घर से मैं नाश्ता नहीं करके आई थी, तो यहाँ जो है मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं चाय लेके आई थी, साथ सैंडविच लेके आई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम साथ थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है दिन का आगाज़ हो चुका था, सूरज निकल रहा था, रोशनी हो गई थी, बड़ा खूबसूरत मंज़र था, बहुत ही प्यारा मंज़र था। रास्ते में इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्यूज़ आए कि कैप्चर किए बगैर मेरे से रहा नहीं गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा कि चले आज की वीडियो भी मैं बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बहुत प्यारे व्यूज़ थे, बहुत अच्छे खेत रास्ते में आए, और फिर बीच में काफ़ी सारे स्टेशंस भी आए, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमारा सफ़र गुजर रहा था। तो यहाँ जी हम लोग पहुँच चुके थे बर्लिन स्टेशन पे, जो उनका मेन हॉपबाहनहॉफ है, वहाँ हम पहुँच चुके थे। यहाँ से फिर हमने जाना था एक जगह पे जहाँ हमारी टर्मिन थी, और बस हम निकले। काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे, और जो बर्लिन का मेन स्टेशन है बहुत बड़ा स्टेशन है, आप यकीन करें कि काफ़ी सारे इसके फ्लोर्स हैं, 4 मेरे ख्याल इसके होंगे फ्लोर्स। ऊपर भी ट्रेन्स चलती हैं, नीचे भी चलती हैं, बेसमेंट पे भी चलती हैं, उससे नीचे भी चलती हैं, तो काफ़ी सारे इसके फ्लोर्स हैं। और बर्लिन हॉपबाहनहॉफ ये आपको नज़र आ रहा होगा, बाहर से ही मैंने सीन कैप्चर किया है। वेदर काफ़ी ठंडा ही था, आजकल आपको पता है अभी तक सर्दियां ख़त्म ही नहीं हो रही यहाँ पे, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ भी काफ़ी थी। यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता, किस टाइम पे सूरज निकलता है, किस टाइम पे बादल आ जाते हैं और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बारिश हो रही होती है और साथ ही थोड़ी देर में सूरज निकल आता है, तो मौसम कुछ ऐसा ही है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन मौसम भी मज़े का था, बड़ा अच्छा वेदर था और काफ़ी ज़्यादा रश था। और ये जो सिटी है बर्लिन, ये टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, काफ़ी बड़ा कैपिटल है जर्मनी का, और काफ़ी रश था। और इनका जो मेन हॉपबाहनहॉफ है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग जो है दूसरी ट्रेन पे बैठ के और उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट थी। सबसे पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम लिया जाए, क्योंकि 1 बजे का टाइम था जब हमारी टर्मिन थी, तो हम लोग 10-10:30 बजे पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा चलें थोड़ा सा पहले एक्सप्लोर किया जाए कुछ अच्छी जगहों को। तो हम लोग अभी जा रहे थे ब्रैंडनबर्ग गेट की तरफ,
जिस जगह पे हमारी अपॉइंटमेंट थी उससे बहुत करीब ही ब्रैंडनबुर्ग गेट था। तो पहले हमने सोचा है कि थोड़ा सा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए सिटी को, थोड़ा सा कुछ देखा जाए, घूमा जाए, आपको भी दिखाया जाए, उसके बाद जब तक टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ आसपास काफ़ी सारी एम्बेसीज भी थी, तो मेरे साथ रहें और इन्जॉय करें। ये ब्रैंडनबुर्ग की दूसरी वाली साइड थी। हम लोग अंदर से गुजर के दूसरी वाली साइड पे आ गए थे, और इसके साथ ही रूस का बॉर्डर भी लगता है, और बिल्कुल सामने ही इनका पार्लियामेंट हाउस भी था। तो ये सारी इन्होंने डायरेक्शंस दी भी थी कि कौन सी जगह कहाँ पे है। बड़ी खूबसूरत जगह है और ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए ये जगह को। इसके बाद जी बस हम लोग यहाँ से चलते चलते जो है वो एक्सप्लोर करते गए और देखते गए इनके एम्बेसीज को भी। डिफरेंट कंट्रीज़ की एम्बेसी सारी आसपास थी, लेफ्ट राइट पे। यहाँ जी हम एक बहुत बड़ी शॉप में एंटर हो चुके थे। बहुत ही खूबसूरत इसका इंटीरियर था, डेकोरेशन सी बहुत ज़बरदस्त था, और रेड कलर में सारा इंटीरियर का काम हुआ हुआ था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। यहाँ पे इनके कल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी, पुरानी बुक्स थी, पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके हिस्ट्री के बारे में, और इनके सारा जो भी इनका सकाफत से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे थी। और इस जो मार्केट का नाम ही कुल्टूर कफ हाउस था, तो बड़ा ज़बरदस्त अंदर से इन्होंने इंटीरियर डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पे एक छोटा सा फिश का वो बना हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त था। वहाँ से हम निकले तो रास्ते में हमें जो है एक कार शोरूम नज़र आया, तो हम लोग जो है अंदर एंटर हो गए। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े कार लवर्स हैं, उनको कहीं भी अच्छी कार्स नज़र आ जाएं तो वो ज़रूर जाते हैं, देखते हैं। और ये शोरूम में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कार्स थी, यहाँ से उनको एक कार बहुत पसंद भी आई, तो हम लोग जो है यहाँ अंदर आके और बस वो देख रहे थे। यहाँ से फिर जी हम आ गए अपने जहाँ हमारी अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि 1 बजने वाला था, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले ही टाइम पे पहुँच जाया जाए। तो ये भी बहुत प्यारा एरिया था, और यहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त पुरानी बिल्डिंग्स थी, बड़े ही एंटीक वर्क था बिल्डिंग्स के ऊपर, काफ़ी सारी मीनाकारी स्टैचूज बने हुए थे, और बड़ी पुरसकून ये जगह थी, बहुत ही अच्छी। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट से तो हम जल्दी फारिग हो गए। उसके बाद हमें लगी थी शदीद भूख, क्योंकि 2:30 बज चुके थे तकरीबन। तो हम लोग वापस आ गए हॉपवानोव पे, और यहाँ पे एक तुर्किश रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने डोनर लिए दोनों ने, और हमने बैठ के और एंजॉय किया, खाना खाया। बहुत शदीद भूख लगी थी क्योंकि सुबह से हम घूम रहे थे,
खाना खाने के बाद हम अपने वापसी सफ़र पे रवाना हो गए। 3:30 बजे की हमारी वापसी की ट्रेन थी, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और वापस घर को जा रहे थे। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा आज का व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।